शिवसेना विधायक अपात्रता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना है, जहां उन्होंने सभी कानूनी प्रावधान को जांचते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया है, जिसके चलते नागपुर स्थित शिंदे गुट शिवसेना कार्यालय में आतिशबाजी कर जल्लोष मनाया गया। दरअसल जून 2022 में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना से विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 39 विधायक लेकर अलग हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाई, जिसके बाद दोनों गुटों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 याचिकाएं दायर की गई, जिनको 6 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस निर्णय का सर्वस्वी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सुपुर्द किया, जिसके युक्तिवाद के बाद आखिरकार फैसला शिंदे के पक्ष में लगा, जहां 16 विधायकों की अपात्रता को खारिज करते हुए शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असल शिवसेना का टैग दिया है, जिसके बाद नागपुर स्थित शिवसेना कार्यालय में आतिशबाजी कर जल्लोष मनाया गया। जिला प्रमुख सूरज कोचे, संपर्क प्रमुख मंगेश काशीकर, शहर प्रमुख धीरज फंदी, समीर शिंदे, उप जिला प्रमुख प्रवीण शर्मा, युवा सेना जिला प्रमुख नीलेश दिघरे, शहर प्रमुख सचिन यादव, समन्वयक आरी पटेल आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस समय मिठाई बांटी गई और धनुष बाण हाथ में लेकर नारेबाजी भी की, तो वहीं महिलाओं ने इस समय फुगड़ी खेलते हुए हर्ष व्यक्त किया। इस समय प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क प्रमुख मंगेश काशीकर ने इसे सत्य का विजय कहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा जो है शिवसेना अपात्रता फैसले में फैसला सुनाया गया है और आखिरकार शिंदे एकनाथ विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन वाली शिवसेना को असल शिवसेना माना गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंगेश काशीकर, क्या कहना चाहेंगे सर आप, असल शिवसेना मानी गई है शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को, किस प्रकार से खुशी जाहिर करना चाहेंगे? 2 साल पहले निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय दे चुके थे कि सिंबल और शिवसेना पार्टी ये शिंदे साहब की है, उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ी है। आज उसके ऊपर नार्वेकर साहब ने शिक्का मोर्तब कर दिया कि ये जो हुआ है ये सही हुआ है और जो अपात्र थे वो बिल्कुल अपात्र नहीं थे, आज वो पात्र हो गए, इसकी हमें आज बहुत खुशी है और आनंद है। देखा जाए तो जो है उद्धव गुट की ओर से निरंतर आरोप लगाए जा रहे हैं, बागी बगावतखोर ऐसे जो है निरंतर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बगावत की जिन्होंने, तुम उनको बोल सकते हैं कि इन्होंने बगावत की, पर इन्होंने उठाव किया था, बगावत नहीं की थी। जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे उसको उठाव कहा जाता है और वो साहब ने उठाव किया था और आज सब हम जितने भी पदाधिकारी नागपुर के यहाँ पे अवलबिदाई सूरज गोजे, हमारी महिला जिला संगठिका, ये सब लोग हमारे यहाँ से नागपुर से भी साहब के साथ ही खड़े हुए। दर्शकों, जिस प्रकार से जो है शिंदे गुट शिवसेना का जो है विजय होने के बाद कहीं ना कहीं यही मंगेश काशीकर ने बताया है कि जो हमने बगावत की थी वो असल में बगावत नहीं थी, तो अन्याय के खिलाफ विद्रोह था, तो देखते हैं इसका आगामी सियासत में किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।